अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आज कौन नहीं जानता। बाबा जी के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ऐसे में महाराज जी ने कथा के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते सभी संत जनों में हलचल मच गई है और सभी का गुस्सा फूट पड़ा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के भगवान शिव और भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सभी तरफ से हो रही आलोचना के चलते उन्होंने इस पर माफी मांगी है। उनके इस बयान का तमाम साधुओं आचार्य द्वारा तीखा विरोध किया जा रहा था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा, अगर संतों को दिल से दुख हुआ तो श्री चरणों में सिर रखकर माफी मांगता हूं। न्यूज चैनल 18 इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य का बयान अर्थशास्त्र कर और अमर्यादित है। पहले उनको अपना अध्ययन बढ़ाने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकरचार्य जी महाराज ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य सरीखों ने धर्म को व्यवसाय बना दिया है, जिन्हें शास्त्र वेद और उपनिषदों का ही ज्ञान नहीं है। निरंजन अखाड़े के साधु संतों ने कड़ा विरोध जताया और अपने फायदे के लिए सनातन संस्कृति का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। वहीं उत्तराखंड में SSP से भी उनकी साधु संतों से शिकायत की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की आयु 35 वर्ष होगी। उन्होंने अपना आश्रम साल 2019 में खोला था। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे थे और उनके पिता पुजारी वर्ग के ही थे। आर्थिक तंगी के चलते लंबी शिक्षा तो उनकी चल नहीं पाई, लेकिन वे काफी बचपन में ही वृंदावन चले गए थे और उनके अध्यात्म और धार्मिक क्रियाकलापों में काफी खास रुचि देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के वीडियो वायरल होते रहते हैं और वे भक्तों के पूछे गए सवालों का हर बार बेहद मजेदार जवाब भी देते हैं। इसके चलते उनके कई मीम्स प्रचलित होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो उनके वायरल होते हैं। वहीं उनके यूट्यूब चैनल पर 11 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक कथा के लिए 80,000 से 1,00,000 रुपये तक की फीस चार्ज करते हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी के मामले में यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले वे माता सीता और द्रौपदी पर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं और उस बयान से उन्होंने उनकी सुंदरता का दोष भी बता दिया था। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने विवादित बयान दिया और संतों का गुस्सा फूटा हो। पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार संतों का गुस्सा फूटा है जब कथावाचकों ने व्यासपीठों ने ईश्वर को लेके ऐसे विवादित बयान दिए हैं और उससे संत जनों की आस्था को ठेस भी पहुंचा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का परिवार, उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी शादीशुदा हैं। वे वृंदावन में अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी गुरु माँ की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। लोग उनकी पत्नी को गुरु माँ बोलते हैं। आपका क्या कहना है कि क्या उनके विवादित बयान पर संत जनों का गुस्सा फूटना जाहिर है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।